सबसे बड़ी वजह राइटिंग को कहूँगी मैं कि क्योंकि फिल्म में हम बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि एक डायरेक्टर है, एक राइटर है, अगर हमारे रोल ही ना लिखे ही नहीं जा रहे थे पहले, माँ का रोल होता था, जैसे ऐसा नहीं मैं कहूँगी, जैसे दीवार फिल्म को आप ले लीजिए, दीवार फिल्म में निरूपा राय जी का बाकायदा एक रोल था जिसमें वो दो बेटों के बीच में फंसी हुई एक माँ है, एक सिचुएशन थी उनके पास, और दुर्गा खोटे जी को ले लीजिए मुगले आज़म में, एक करेक्टर था उनका, उनके पास था सारी पावर थी उनके पास, तो ऐसा नहीं बीच बीच में हमारे करेक्टर एक्टर्स को काम मिला है और उन्होंने प्रूव भी किया है, अच्छा काम भी किया है उन्होंने, तो फिल्मों का हमेशा हमारे यहाँ कुछ मुझे लगता है 10 साल एक पीरियड होता है, 10 साल बाद वो सिनेमा एक बहुत बड़ी करवट लेता है, और फिर अब ऐसा तो ये तब्दीली तो अक्सर हमारे उसमें आती रहती है, हर 10 साल बाद आती है, मगर इस बार जो करवट ली है फिल्म इंडस्ट्री ने, उसमें जो करेक्टर एक्टर्स निकल के आए हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है उसके राइटर्स का, और बहुत बड़ा हाथ है उन डायरेक्टर्स का जिन्होंने इतना जिगर रखा कि वो किसी अच्छे एक्टर को लेके उन कैरेक्टर्स को करा सकें, क्योंकि हमारे यहाँ बॉलीवुड हमेशा स्टार्स में घिरा रहा है और हमेशा स्टार डोमिनेट करते रहे हैं इस इंडस्ट्री को, तो हमारे यहाँ अगर कहानी से बड़ा हीरो है तो वो कहानी कभी नहीं चलेगी, लेकिन हीरो है लेकिन कहानी बड़ी होनी चाहिए, तब मुझे लगता है वो बैलेंस बना रहेगा, तो ये मुझे लगता है जो सिस्टम हमारे यहाँ का बॉलीवुड का है इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है हमारी अच्छी फिल्मों को, और बहुत खुशी है मुझे कि ये 4-5 साल से, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 4-5 साल से एक करवट ली है फिल्म इंडस्ट्री ने जिसमें मुझे लगता है कि ऑडियंस को इतना फ्रेशनेस मिली है और ऑडियंस के अपने किरदार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे देश में कम से कम 75% या 80% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप उन्हें वो दुनिया ना दिखाएं जो उनकी दुनिया है ही नहीं, आप उन्हें जैसी उनकी दुनिया दिखाते हैं वो हमेशा पकड़ते हैं, अब आज भी आप अगर यहाँ बैठ के मुझे हम लोग की बात कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है क्योंकि हम लोग आपकी अपनी कहानी थी, आपके अपने किरदार थे उसमें, आप मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं उसमें, उसके दुखों की बात करते हैं, और आज भी देख लीजिए जो फिल्में अभी पीछे के दिनों में जितनी भी फिल्में आई हैं उनमें इतना अपनापन उन लोगों को ऑडियंस को लगा कि वो वहाँ चले गए, वो बड़ी फिल्मों को देखने ही नहीं गए क्योंकि उनको मालूम था वहाँ पर सब इमेजिनेशन वाली चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ वो किरदार हैं जो हम जीते हैं, इसमें हम अपनी माँ को ढूंढ सकते हैं, फादर को ढूंढ सकते हैं, भाई को ढूंढ सकते हैं, अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकते हैं। नहीं नहीं देखिए, ये एक बहुत ही अर्ली स्टेज होती है एक एक्टर की, जब वो एक करता है कि मुझे एक पागल का रोल मिल जाए, मुझे एक साइकी का रोल मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिक मुझे इस तरह के रोल चाहिए, पर मुझे हमेशा मन करता है कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट आए जिसमें वो जो डिटेलिंग की हम बात करते हैं, जिस डिटेलिंग की हम पर्दे के पीछे बात करते हैं, काश वो डिटेलिंग हम पर्दे पे दिखा सके ऑडियंस को, और ऑडियंस को और लेयर दिखाएं किसी करेक्टर की, चाहे भले वो एक माँ का ही करेक्टर क्यों ना हो, क्योंकि हम अभी बहुत कम तकलीफ़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम हमेशा बहुत लिमिटेड चीज़ें ही दिखाते हैं ऊपरी सतह की, मगर काश हम ये दिखा सकें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ले लेते हैं कि बरेली की बर्फ़ी ही ले लेते हैं, कि बरेली की बर्फ़ी की माँ का किरदार जो है वो तब तक ही आप देख पा रहे हैं जब तक वो अपनी बेटी को बेटी से बात कर रही है, या वो अपने दामाद से बात कर रही है, या अपने पति से बात कर रही है, मगर काश वो माँ, उसे हम वहाँ से दिखाएं जहाँ से वो सब्ज़ी वाले से लड़के आ रही है, और सब्ज़ी वाले से दिक्कतें करते 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 आते ही उसने देखा अपनी बेटी को, और उसने तब वहाँ से डांटा उसको कि तू यहाँ बैठी हुई है, हैं मैं पागल हूँ, धूप में सब्ज़ी लेने गई थी, तो वो जो डिटेलिंग है, वो जो चीज़ें हैं, जो बारीक चीज़ें हैं, उन तक पहुँचने का कोई रास्ता निकालें, कोई ऐसा किरदार लिखें जिसमें मुझे ऐसा मज़ा आए कि मुझे, मतलब क्या बोलूँ मैं, कैसे समझाऊँ आपको कि एक्टर की इतनी भूख होती है, काश वो भूख कोई पूरी कर सके, चाहे वो कुछ भी करा ले मुझसे, दोबारा माँ का रोल करा ले वो मुझे परेशानी नहीं, पर भूख पूरी कर सके, ऐसे बहुत सारे किरदार होते हैं जो कि एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में फीमेल को लेके बहुत ज़्यादा लिखते नहीं हैं लोग, बहुत ही कम लोगों ने लिखा है, मुझे जैसे मदर इंडिया बहुत पसंद है फिल्म, मुझे लगता है कि उसमें बहुत खूबसूरती से एक औरत को बयां किया है, या पुरानी फिल्मों में फिर भी मिलता था बंदनी या इस तरह की फिल्में होती थी, सुजाता, पहले बहुत फीमेल ओरिएंटेड फिल्में होती थी,
और अभी के ज़माने में थोड़ा सा हम शायद बहक रहे हैं, या हमारी सोसाइटी का कुछ ऐसा एक पैटर्न बन गया है फिक्स कि हम औरतों को बहुत दूर तक लेके नहीं जा रहे हैं। तब भी हाल फिलहाल आई हुई फिल्म की बात कर सकती हूँ मैं कि मुझे नीरजा में जो शबाना जी ने रोल किया उसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ उस तरह का एक करेक्टर या उस तरह की एक माँ भी बनने का मुझे मौका मिलता कि मैं बता पाती कि वो एक इमोशन जो शबाना जी बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने किया भी बहुत कमाल परफॉर्मेंस है, बट फिर भी मेरी एक इच्छा है कि उसे एक और तरीके से करके मैं देख पाती या उसे कुछ और अलग पैटर्न में डाल पाती। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो करना चाहूँगी। जैसे अभी संजय मिश्रा की फिल्म आई थी कड़वी हवा, तो मुझे हमेशा दुख रहा कि कड़वी हवा में एक आदमी क्यों, एक औरत क्यों नहीं। तो मेरा ये सवाल है अपने राइटर से और डायरेक्टर से कि औरत को कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ माँ बनना ही उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप तो खुद ही हमें वहाँ पर एक लिमिट में बांध रहे हैं, आप उसे तोड़े तो सही। औरतें बहुत बहुत प्रॉब्लम झेल रही हैं और बहुत बहुत अलग अलग मज़े भी ले रही हैं लाइफ के, तो औरत के और पक्ष दिखाएं तो करने में मज़ा आएगा। मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मैंने दूरदर्शन पे पहली बार काम करना शुरू किया, और 6 साल की बच्ची को बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में पता नहीं होता है। और हमारे यहाँ हमारी प्रॉब्लम है, हमारी पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि जैसी बच्ची आती है सबकी नज़र के सामने, वो पता नहीं क्यों उसे बड़ा बनाने की कोशिश करने लगते हैं। बड़ा बनाने के मतलब कि उसे एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की है, तो वो चाहे बसों में धक्के खा रही है, चाहे वो ट्रेन में धक्के खा रही है, चाहे वो अड़ोस पड़ोस में जा रही है, हर आदमी उसे ये महसूस दिलाना चाहता है कि वो लड़की है। और वो भी बहुत जल्दी कॉन्शियस होना शुरू हो जाती है कि ओ अगर मैं 10 लोगों के बीच में बैठी हूँ तो मुझे हर बात पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, कुछ तो ऐसा है मेरे पास जो दूसरों से अलग है जिसकी वजह से ये लोग मेरे पास आना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि 6 साल की बच्ची, जब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जब मैं अपनी 12 या 13 साल की उम्र में पहुँची थी, उस 12-13 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते जो छोटी बच्ची जो जो चीज़ों को महसूस कर सकती है कि ये जो अंकल थे इन्होंने अगर मुझे गाल पे प्यार किया है तो ये प्यार वैसा तो नहीं था जैसे मेरे पापा करते हैं, ये प्यार वैसा तो नहीं था जैसा मेरा भाई करता है, ये प्यार का टच कुछ अलग था, तो ये महसूस करना वो शुरू कर देती है और वो कॉन्शियस होना शुरू हो जाती है कि ये अंकल अब दोबारा जब मुझे प्यार करने लगेंगे, मुझे प्यार कराना है या मुझे प्यार नहीं कराना है, ये डिसीज़न अपना होता है। अब मैं भी उसी माहौल में, ऐसा तो नहीं कि मुझे पूरा ऐसा माहौल मिला कि सब बहुत अच्छे थे, ऊपर आसमान से उतर के आए थे और मुझे कोई ऐसा महसूस किसी ने कराया ही नहीं कि मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन ये डिसीज़न जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये डिसीज़न मेरा था कि मुझे उस अंकल से दोबारा गाल पे किस कराना है कि नहीं कराना है, तो मैं बहुत कॉन्शियस थी। और मैंने भी इस इंडस्ट्री में 50 साल निकाले हैं, और जिस वक्त मैं बड़ी हो रही थी उस वक्त ना तो टेलीफोन थे, ना मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, ना अगर हम घर से निकले हैं तो वापस हम जब तक घर ना पहुँचे हमारे घर वालों को हमारे बारे में बिल्कुल नहीं पता होता था हम कहाँ काम कर रहे हैं। सिर्फ एक विश्वास था जो मेरे और मेरे पिताजी और मेरे भाई और मेरी माँ के बीच में था कि ये काम करने जा रही है, ये काम करके वापस आ जाएगी, चाहे वो रात को 12 बजे आ रही है चाहे 11 बजे आ रही है, शूटिंग थी देर तक ख़त्म होती थी, मगर उस दौरान जो कुछ भी होता था वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी मेरे फादर की या मेरे भाई की नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर थी क्योंकि मैं उनको फेस कर रही थी सारा दिन। तो मैं बहुत मज़े से शिकायत लगा सकती थी घर जाके कि मम्मी वो जो फलाने अंकल थे उन्होंने मुझे ऐसे किया या उन्होंने ऐसा किया, और क्या होता उसका नतीजा क्या होता, अगले दिन मेरा भाई जाता या मेरे फादर जाते या मेरी मम्मी जाती, या फिर मुझे काम से रोक दिया जाता कि भाई मत जाओ कल से तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर जो आज हम बात करते हैं कि ये क्या सही है कि लड़कियों को कह देना कि जाओ ही मत, करो ही मत, रास्ता बदल दो, नहीं रास्ता वही रखो मगर खुद लड़ाई करना सीखो ना। मैंने खुद लड़ाई की है, मैंने खुद चूज़ किया है
कि मैं इसे करने दूंगी या नहीं करने दूंगी। ये सवाल मुझ पे बहुत बार आए। ऐसे बहुत सारे अंकल होते थे जो रात को, जैसे दिल्ली में मैं रहती थी और दिल्ली लेट नाइट आप नहीं सफ़र कर सकते हैं, गाड़ी नहीं कर सकते, बस में नहीं जा सकते, डर लगता था हमें, तो हम किसी अंकल या किसी ऐसे को जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, हम उसे कहते थे हमें घर छोड़ दो प्लीज़, रात बहुत हो गई है, मैं कैसे जाऊँगी। तो ज़्यादातर मेरे को ऐसे लोग मिले, मुझे ऐसे लोग मिले जो मेरी माँ के दोस्त थे, मेरी माँ के साथ काम करते थे, तो वो हमेशा ऐसे कहते थे सीमा तेरे को क्या छोड़ेंगे, तेरे को छोड़ने का क्या फ़ायदा है। तो मुझे समझ नहीं आता था ऐसे क्यों बोलते हैं, मुझे छोड़ने का क्या फ़ायदा है, मतलब फ़ायदे के लिए थोड़ी छोड़ रहे हैं, ये तो मुझे छोड़ने जाना चाहते हैं। तो उनका ये कहना था कि नहीं तेरे को छोड़ के क्या फ़ायदा होगा, तू सरोज जी की बेटी है तो तू रास्ते में मुझे क्या हेल्प करेगी, कुछ भी नहीं, मैं तो तुझे किस भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तू सरोज जी की बेटी है। वो इन साफ शब्दों में नहीं बोलते थे मगर मुझे इशारा समझ में आता था कि ओह अच्छा ये मुझे इसलिए नहीं छोड़ेंगे। तो मैं अकेले जाती थी, तो अकेले जाते जाते एक आदत सी पड़ गई थी कि नहीं ये फ़ाइट मेरी है, ये फ़ाइट किसी की नहीं है, ये ना तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा है, ना मेरे फादर ने मुझे भेजा, ना मेरे भाई ने भेजा है, ये मैंने खुद चूज़ किया है, तो मुझे अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप बहुत मजबूत हैं और आपके ऊपर बहुत कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है, मैं मान सकती हूँ जिन लोगों की कोई मजबूरी रही होगी या फाइनेंशियली या कोई घर से कोई प्रेशर या कुछ किसी वजह से उनसे गलतियाँ हो गई होंगी, मगर मैं अपना बता सकती हूँ कि 50 साल में मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा इस तरह के लोग रहे, हमेशा रहे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना एक दिन छुट्टी लो सारे काम से और आंख बंद करके अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान दो कि क्या मैं जो यहाँ पर स्ट्रगल करने आ गया हूँ, क्या मैंने सारी तैयारी कर ली है। एक बार अपने से एक सवाल पूछ के देखो दिल से कि सचमुच मैं तैयार हूँ, क्या मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अगर नहीं तो मुझे किसी तरह से ये कोशिश करनी है कि मैं वो सारी चीज़ें पकड़ सकूँ, क्योंकि सिर्फ ऑडिशन दे देना, सिर्फ डायरेक्टर से मिल लेने में आपका काम पूरा नहीं हो जाता। आप धक्के खाते रहेंगे, आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे, अपनी फ़ोटोज़ देंगे और निराश हो जाएंगे और फिर चाहेंगे कि हम काम बदल लें। एक बार आंख बंद करके ख़ुद से सवाल करो कि क्या मैंने जो राह चुनी है वो सही राह है, इसी राह पर रहना है, और अगर रहना है तो मजबूत हो जाओ और इतने मजबूत हो जाओ कि फिर बोलो कि अब मैं इसको निचोड़ लूँगा, अब इसको इतनी अच्छी तरह अपने आप को इतनी परफेक्शन में ढालूंगा कब तक काम नहीं मिलेगा। और मैं आपको सच में कह रही हूँ जिस दिन आप सच में अपने आप से ईमानदारी से ये सवाल करने शुरू कर देंगे कोई आपको काम देने से रोक नहीं सकता है, ये काम ज़रूर मिलेगा। निराश नहीं होना, बहुत अच्छा है, अगर मेहनत करेंगे उसका फल ज़रूर मिलेगा, पर सच बोलना, अपने से ज़रूर बोलना, दूसरों से बोलो ना बोलो खुद से सच ज़रूर बोलना कि सच में मुझे आता है क्या, एक बार बोलना। फोकस्ड एकदम इतना अर्जुन की आंख बना लो कि मुझे ये अचीव करना है। और एक तीसरी चीज़ सबसे बड़ी जो इस प्रोग्राम का नाम भी है, सपने देखो, अच्छे सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश में लग जाओ, वो ज़रूर हासिल होंगे। ये तीन चीज़ें ज़रूर करो लाइफ में। एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है सपने देखना, एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है सच बोलना, एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है फोकस होना। ये तीनों चीज़ें आपके काम आएंगी।